जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि फ्री RTOS, रेस्बियन, विंडोज़, मैक, एजियोर स्पियर। इसी तरीके से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स हमारे पास एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बहुत सारे दुनिया के डेवलपर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रही होती है एज़ कम्पेयर विंडोज़ एंड मैक, क्योंकि विंडोज़ और मैक को ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, तो डेफिनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज काम कर रही होती हैं एज़ कम्पेयर विद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ईजीली आप और मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। और लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जब भी लिनक्स कर्नल रिलीज़ होता है तो तकरीबन मोर देन 100 कंपनीज एंड मोर देन 1000 डेवलपर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और फिर जैसे अभी हमने बात की है लिनक्स कर्नल की, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट होता है जिसको हम कर्नल कहते हैं, और विंडोज़ यूज़र्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक जो विंडोज़ के अंदर कर्नल इस्तेमाल होता है वो एंटी कर्नल होता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि अब जो अपडेट आएगी उसमें लिनक्स कर्नल इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जितने भी यूज़र्स हैं वो फिक्र ना करें, जितनी भी GUI होती है, जितना भी इंटरफेस होता है, वो तकरीबन सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से समझें जैसे किसी गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया गया है, बॉडी सेम है, तो विंडोज़ भी GUI जो होगी वो तकरीबन सारी सेम होगी, लेकिन उसका इंजन जिसको हम कहते हैं कर्नल चेंज कर दिया जाएगा लिनक्स कर्नल। उसमें अब बहुत जल्दी जो न्यू अपडेट आएगी उसमें वो लिनक्स कर्नल इस्तेमाल किया जाएगा।